राम राम जी। तो आज केक बनाने की बारी है मेरी। जी हाँ, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो आजकल पता है आपको भाई, मैं डेली आजकल बेकरी का ही वो डाल रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि आजकल हम बेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें जो है ना वो नाप तोल के रखनी पड़ती है, क्योंकि आपने कुछ भी बनाना हो ना बेकिंग प्रोडक्ट, अगर आपने नापा तोला हुआ नहीं है तो कुछ का कुछ बन जाता है, हमें ये बताया है यहाँ पे सर ने। तो यहाँ पे नाप रही हूँ मैं। पहले मैंने मैदा मैदा तो मतलब जो प्रीमिक्स आता है ना इसका, पहले वो नापा। तो 250 ग्राम इसमें जो बताया गया है हमें वनीला पाउडर, वो नापा। और उसके लिए फिर पानी यहाँ पे नाप रहे हैं हम। तो पानी यहाँ पे 130 ml था शायद, मुझे भूल गया, कॉपी में देखना पड़ेगा भाई। और बस उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना वो नाप तोल के लेनी पड़ती है। तो आज बन रहा है एगलेस केक। जी हाँ, क्योंकि मैं हूँ वेजिटेरियन और मैं एग वाला खाती नहीं हूँ, तो एक दिन हमने जो बनाया था ना एग वाला, नहीं खाया मैंने। और वैसे भी सर ने सिखाना भी था हमें एगलेस केक, तो आज एगलेस केक बन रहा है भाई। तो पानी में डालेंगे हम केक जेल, एक केक जेल होता है तो इसको डालना होता है पानी में। ये अंडे का काम करता है यहाँ पे, ये ना एक केमिकल होता है जो कि ना हमारे बैटर को फुला देता है अच्छे से। तो वैसे तो बेकिंग पाउडर भी होता है, लेकिन जो बिल्कुल मार्केट वाला आता है ना, वो बिल्कुल उस तरह का बनाने के लिए आपको ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ इसमें प्रीमिक्स, जो हमारा वनीला पाउडर होता है। तो इसमें ना मैदा और मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और इसमें सब कुछ होता है। तो इसके बाद हमने इसमें ये डाल दिया है, और साथ में इसमें इंक्लूडिंग इसमें वो भी होता है, शुगर भी इसमें होती है। तो ये देखिए, बीटर के साथ इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, 4 से 5 मिनट को इसको बीट करना होता है हमें, ताकि ना ये सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस आज केक मैं बना रही हूँ भाई, बहुत ख़ास दिन है, व्लॉग पूरा देखिएगा, क्या ख़ास दिन है आपको तभी पता चलेगा। और आज केक जो है वो कुछ ख़ास बनने वाला है। तो यहाँ पे बीटर की हेल्प से जल्दी हो जाता है, मतलब हाथ से तो काफ़ी टाइम लगता है ना, बीटर से जल्दी हो जाता है। तो चलिए व्लॉग देखिए आप पूरा ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप देखिए किस तरह से हमारा जो स्पॉन्ज केक जो है वो बन के तैयार होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है घर पर। तो अभी 4 से 5 मिनट हो गए थे मुझे इस बैटर को ना अच्छे से बीट करते हुए। तो ये ना इलेक्ट्रिकल बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर, इससे जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे केक टिन जो है वो पहले से रेडी रखना पड़ता है, तो उसमें ऑयल लगा के, उसके ऊपर से बटर पेपर लगा के, और ऊपर से मैदे की डस्टिंग हुई हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये किया हुआ है तैयार। और बैटर जो है ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी अब। तो ये हमें ना 3/4 ही भरना होता है, मतलब आधा सा ही भरें आप इसको, आधे से थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बिल्कुल ही ऊपर तक फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था ये, और केक टिन जो है ना वो थोड़ा छोटा था। चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने ऐसे ही रख लिया था साइड में। तो बैटर को इसमें डालने के बाद ना इसको थोड़ा सा टैप टैप सा करना है, ताकि जो भी बीच में कहीं एयर बबल्स हो ना इसमें वो निकल जाए, वहाँ से केक जो है ना वो मतलब बड़ा सा छेद हो जाता है, नहीं तो वहाँ पे जहाँ पे इस तरह से रह जाएगा। तो इसमें ट्रांसफ़र कर लिया मैंने, और अभी इसको बेक करेंगे हम। तो इसको ना 180 डिग्री पे बेक करना होता है अवन में। तो अवन को ना 10 मिनट पहले प्री हीट कर लें 180 डिग्री पे, और उसके बाद इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना होता है। तो पहले से ही 2 केक लगाए हुए हैं बेक करने को अवन में, तीसरा जो है ये हम अभी यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं कि केक जो है ना, जो 2 पहले डाले गए थे वो देखिए बेक हो चुके हैं। ये जो मेरा दिख रहा है ना, देखिए कितना अच्छा से फूला हुआ है, जो फ्रंट में दिख रहा है सामने में काफ़ी अच्छे से फूला हुआ है, और ये अभी नहीं हुआ है। तो जो हो गए हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे अभी सर जो है चेक कर रहे हैं, तो जो होती है ना टूथपिक, एक उससे चेक कर रहे हैं। और ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं डी मोड करके, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, देखिए कितना अच्छा कलर आया है केक का, बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। और यहाँ पे हो रही है इसको डेकोरेट करने की तैयारी। तो सर ने ना कुछ पाइनएप्पल की
की स्लाइसेस जो है उनको चॉप कर लिया है यहाँ पे, तो क्योंकि पाइनएप्पल केक बन रहा है तो पाइनएप्पल को चॉप कर रहे हैं। अब कोई क्रीम फैट लेगा इतना? अभी यहाँ पे क्रीम जो है उसको फेंटने लग गई थी मैं यहाँ पे, तो क्रीम को फेंटते हुए ना टाइम लग जाता है थोड़ा सा, मतलब 4 से 5 मिनट तो लग ही जाते हैं बीटर से, थोड़ी सी हो अगर और थोड़ी ज़्यादा हो अगर तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है भाई। और क्रीम जो है ना ये मार्केट से ही लाई हुई है तो इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, मतलब नहीं तो ये ना घल जाती, पिघल जाती है, ख़राब हो जाती है। और जब बीट करनी होती है ना तो पहले निकालनी होती है बाहर, फिर ये जमी भी नहीं होनी चाहिए, फिर ये गली भी होनी चाहिए, और इसको ना काफ़ी थिक होने तक इसको बीट करना होता है। ये इसमें कोई फ्लेवर नहीं है अभी, ये ना प्लेन होता है, तो इसमें अपने हिसाब से जौन सा भी केक बनाना है उसका फ्लेवर का डाल सकते हैं हम ना, अरोमा डालना है या एसेंस डालना है। ये जेल लगाना जरूरी होता है सर? इसकी जगह पे कुछ और करना? नहीं, इससे क्या होता है ना केक शेल्फ लाइफ भी, जो क्रीम होती है वो जल्दी सूखती भी नहीं है, जब कवर हो जाता है ना शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, खाने में भी थोड़ी ठीक लगता है, स्टोर मतलब शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। पर लिक्विड कलर कम ही यूज़ करें, ये अरोमास वगैरह ना ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं इसमें। तो केक स्लाइस पे ना यहाँ पे शुगर सिरप डाल रहे हैं, तो शुगर सिरप डालना ज़रूरी होता है, इससे ना केक जो होता है सॉफ्ट रहता है, मॉइस्ट रहता है और रूखा रूखा सूखा सूखा सा नहीं लगता, तो ये लगाना ना ज़रूरी होता है। यहाँ पे तो ना सर ने जो पाइनएप्पल का पानी था ना वही डाल दिया है यहाँ पे इसमें, तो ये भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो स्पॉन्ज केक जो है ना उसके 2 स्लाइसेस करने के बाद एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें पाइनएप्पल क्रश। तो पाइनएप्पल को ना मैश करके बनाया हुआ होता है ये ना जैम से थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी का होता है, तो ये ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है केक को, ऐसा लगता है कि सच्ची में पाइनएप्पल मतलब खा रहे हैं हम, बहुत अच्छा लगता है इससे। तो इसको लगाने के बाद यहाँ पर देखिए जो पाइनएप्पल चॉप करके रखा हुआ है ना उसको भी इसमें डाल देंगे, इसकी जगह पे फ्रेश होता है जो पाइनएप्पल। हाँ फ्रेश तो ज़्यादा बढ़िया है, फ्रेश कर सकते हो। तो क्रीम से ना केक को अच्छे से कवर करने के बाद पूरा लेवल करना होता है, और यहाँ पे ये केक जेल जो होता है ना उसमें यहाँ पे हमने पाइनएप्पल फ्लेवर जो है सर ने मिलाया, और इस तरह से देखिए इसमें ना ऊपर से कोटिंग हो रही है, तो इससे बहुत ही सुंदर सा दिखता है केक और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसका टेस्ट कुछ ऐसा होता है ना जैसे हम वो जेली नहीं खाते हैं, जैसे जेली वाली टॉफ़ी आती है, कुछ उस तरीके का इसका फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी सा लगता है ये। और ये सबसे ऊपर लेयर लगा रहे, इससे शाइन भी आ जाएगी केक में और बहुत ही अच्छा सा लुक देता है ये। तो डेकोरेट यहाँ पे पूरा सर ने किया था ये, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट। तो हमें तो इतना नहीं आता ना, लेकिन थोड़ा हम भी कर लेते हैं, मतलब इतना अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी हो जाता है, थोड़ा बहुत करते हैं ना जैसे, तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते हैं जैसे फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं ना, वो तो करते करते ही आएगा जब हम करते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर से थोड़ा सा सजाया जा रहा है केक को, होता है ना जैसे मार्केट में भी होता है उसमें इस तरह से होती है साइडों में गिरी हुई, तो पाइनएप्पल का है ये, क्योंकि तो ये आपको थोड़ा सा इस तरह का ही दिखेगा, येलो कलर का, येलो तो नहीं है, मस्टर्ड कलर का, मस्टर्ड कलर है ये, तो इस तरीके का बहुत ही सुंदर सा लग रहा था देखने में। तो आप देखिएगा पूरा बहुत ही सुंदर डेकोरेट हुआ था केक, और
पूरा मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। तो कोई बनाना चाहता है ना घर में तो बना सकते हैं भाई, बहुत ही आसान होता है इसको बनाना और घर में अच्छी बन जाती है ना चीज़ें, फ्रेश भी होती है और फ्रेश केक का टेस्ट ना जो हम बाज़ार वाले केक खाते हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो बना सकते हैं भाई घर में, नहीं तो जो नहीं बना सकते तो फिर बाज़ार में तो है ही, तो जिनको मतलब शौक़ होता है ना बनाने का तो ये उनके लिए है। जेल किससे बनता है? ये आपका कॉर्न स्टार्च वगैरह होता है, पानी, कॉर्न स्टार्च, शुगर, शुगर भी सारी मिक्स पहले से होती है इसमें। मतलब मीठा जैसे जेली मिलती है ना, जेली वाली टॉफी आती है या दूसरी जेली होती है, बस उसी के हिसाब से। मैं आ चुकी हूँ ट्रेनिंग से वापस और ये देखिए आज इतना ब्यूटीफुल सा केक वहाँ पे बनाया है हमने, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो अभी बच्चे सोए हुए हैं ना, ट्राइपॉड है अंदर, तो मैंने सोचा कि बाहर ही आपको दिखा देती हूँ। तो एक खिड़की के ऊपर खड़ा किया हुआ है मैंने फ़ोन और ये देखिए भाई हमारा केक बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए ये खुद बनाया है ऊपर, पर ये जो डेकोरेट किया ना ये सर ने किया है जो बनाते हैं। कल हम भी डेकोरेट करेंगे और आज बहुत टाइम हो गया था इसको बनाते हुए इसलिए लेट हो गए, कल दूसरा केक डेकोरेट होगा फिर से। तो अभी हम जा रहे हैं, छेड़ो मत इसको ना, तुमने तो सारे केक का क्या बना दिया। तो ये देखिए गाइस कितना सुंदर केक हम ऊपर से बना के लेके आए हैं। ये क्रीम, सब कुछ क्रीम होता है ये क्रीम, और हम आए हैं यहाँ पे। तो भाई बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं केक काटने के लिए, साथ तक तो सबसे आगे नाच रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे नैना, धैर्य के पापा, सार्थक, हम सभी हैं यहाँ पे केक काट रहे हैं। तो आप सोचेंगे आज हम केक क्यों काट रहे हैं मिलके, तो भाई आज क्या है, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो जी हाँ, आज हमारी शादी को ना 13 साल पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे थे। और आज केक ना मुझे ऊपर से फिर नीचे मिल गया था जहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए जाए थे, तो मैंने वहाँ पे बोला था ना कि मुझे केक ले जाना है घर के लिए, तो फिर सर ने ये केक जो डेकोरेट किया था ना यही दे दिया था कि आप इसको ले जाओ। और बस यहाँ पे बच्चे बहुत ही खुश हुए हुए थे और सच्ची में गाइस जो हमारा मतलब
खुद बनाया हुआ केक होता है ना फ्रेश, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मार्केट के केक से ना बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे सभी को खिला रहे थे हम एक दूसरे को, और पति देव जो है ना वो थे मेरी वीडियो कैमरे में, मतलब ब्लॉग में मत दिखाना। और आज मैंने इनको ब्लॉग में दिखा दिया, अभी थोड़ा थोड़ा फेस नहीं दिख रहा है आपको इनका, लेकिन दिख ही गए थोड़े थोड़े तो। और बस ज़्यादा बड़ा व्लॉग उससे आगे बहुत ही बड़ा हो गया, इससे बड़ा क्या होगा। तो मुझे आशा है कि आपको व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो कल मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगी जो हमने सीखी है वहाँ पर। चलिए मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।